तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमें पता है कि थोड़े ही दिनों में हमारी दिवालियों की वेकेशन स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो हैप्पी दिवाली पहले एडवांस में, है ना। तो यार दिवाली वेकेशन में जो मैथ्स है ना, वो हमें बहुत 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 ज़्यादा काम आने वाली है ना। पटाखे खरीदने जाओगे, पैसे दोगे, पैसे लोगे, काम आएगी ना मैथ्स कि नहीं आएगी वहाँ पर काम। तो यार ये जो मैथ्स है जो आप अब पढ़ रहे हो, वो मैथ्स हमें इस दिवाली की वेकेशन में अच्छी कर लेनी है, कैसे भी करके। हमारे पास अच्छा खासा टाइम होगा, है ना। घर पे मम्मी सफाई करने के लिए बोलेगी, है ना। मम्मी बोलेगी बेटा सफाई कर दे, पंखा साफ कर दे। तो दिवाली की छुट्टियों में साफ सफाई से बचने का एक ही मात्र रास्ता है मैथ्स। और उस मैथ्स को आप थोड़ा सा टाइम दे दोगे तो डेफिनेटली मैथ्स आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। तो इस दिवाली वेकेशन में किस तरीके से हम मैथ्स को अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को होप नहीं छोड़नी है। हम लोग क्या करते हैं, हम हार जाते हैं, है ना। हमें कभी भी होप नहीं छोड़नी है भाई। सब लोग लिख दो चैट में कि मैं अब गिव अप नहीं करूंगा, आई विल नॉट गिव अप, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन नहीं होता, दूसरा नहीं होता, तीसरा नहीं होता, तो हम चौथे पे अपने आप हार मान जाते हैं, अपने हथियार डाल देते हैं, पेन पेपर बंद करके बैठ जाते हैं। तो ये आज से अभी से नोट कर लो कि भाई साहब हार नहीं माननी हमें, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, कि हार नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं मानेंगे। और दूसरी चीज, मैथ को रटने की गलती नहीं करेंगे। मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने देखा है, वो मैथ को रट लेते हैं, है ना। मैथ को रट लेते हैं बिल्कुल सर, फॉर्मूला रट लिया। कुछ लड़कियां होती हैं क्वेश्चन ही रट लेती हैं, सॉल्यूशन भी रट लेती हैं और वहां जाके चेप आती है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, है ना। और वो क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि फॉर्मूला पुट किया डायरेक्ट आंसर आ गया, फॉर्मूला पुट किया डायरेक्ट आंसर आ गया, ये अब नहीं होगा। तो रटना बंद कर दो। अगर आप आज तक भी मैथ्स को रट रहे थे तो बंद कर दो, ठीक है। ये 7th 8th तक चलता था। और सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम देना पड़ेगा। अब आपके पास टाइम आएगा, वेकेशन आएगा, तो मैथ्स को आप ज़्यादा टाइम देना। जिनकी मैथ्स वीक है उनको मैथ्स को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कई बच्चों के हाफ वेली हो गए हैं बर्बाद, मुझे पता है। उनके बहुत गंदे मार्क्स आए हैं, बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, ना पेरेंट्स सेटिस्फाइड है ना हम सेटिस्फाइड हैं। तो अब हम इस वेकेशन का फायदा उठा सकते हैं, जितने भी दिन की, 6 दिन की, 7 दिन की, 8 दिन की, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। देखो करना क्या है। सबसे पहली चीज, आप लोगों को मैथ को स्ट्रांग बनाने के लिए मैथ के सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं। चलो सॉल्व एग्जाम्पल कहां से करें, देखो बहुत सिंपल सी चीज है। आपके पास अपनी किताब है, जिनके पास एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी कर लो, जो आईसीएसई वाले हैं वो आईसीएसई की बुक कर लो, जो आरबीएससी वाले हैं वो उसको कर लो, जो महाराष्ट्र वाले हैं वो उसको कर लो। उनकी जो भी बुक है उसके अंदर जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उनको देख देख कर करना है। क्या बोला मैंने, एग्जाम्पल को देख देख कर, ध्यान से सुनना ये लाइन। सब बोलते हैं बिना देखे करो, आप कह रहे हो देख देख के करना। बिल्कुल सही कहा मैंने, देख देख कर हर एक चैप्टर का, हर एक एग्जाम्पल जो सॉल्व है वो देख देख के करना है। कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे भाई, लिखते जाओ चैट में, लिखते जाओ सर, कर लेंगे हम, कर लेंगे, बिल्कुल कर दिखाएंगे, ठीक है। देख देख के करेंगे। और जब हम, मान लीजिए हमारा जो पहला चैप्टर है, हमने चैप्टर 1 का सारे सॉल्व एग्जाम्पल कर दिए, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज को एज अ प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, जितनी एक्सरसाइज है वो सारी एक्सरसाइज बिना देखे सॉल्व करेंगे। ये हमें टारगेट बनाना है हमारे 6 8 दिन जो भी ली होगी उस दिन में, कि हम उसकी एक्सरसाइज बिना देखे करेंगे। अब अगर मान लो आप अटक गए किसी क्वेश्चन में, ठीक है, अब आप अटक गए किसी क्वेश्चन में, गलतियां हो गई किसी क्वेश्चन में, गलत आंसर आया, तो सबसे पहले इवेलुएट करेंगे कि गलती कहां करी है। मान लीजिए फैक्टराइज करने में गलती कर दी, मान लीजिए कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन पे आगे आएंगे, कैलकुलेशन में गलती कर दी, मान लीजिए हमारा कॉन्सेप्ट वीक था, फॉर्मूला गलत लगा दिया, या और कोई गलती कर दी, वो इवेल्युएशन करके उस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। क्योंकि पता है हम क्या करते हैं, आप में से 80% बच्चे क्या करते हैं, मैं बताता हूं, क्वेश्चन नहीं आता है, टीचर के पास जाते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं और समझ जाते हैं आ गया।
आपका दिमाग तो आपको बेवकूफ बना गया, क्योंकि क्या बात कर रहे हैं? उसको क्या बोला, उसने उसने आपको इंस्ट्रक्शन दिए कि सॉल्यूशन देख लिया, अब मेरे को ये क्वेश्चन आ गया, अब मैं कर लूंगा। लेकिन ये आपके दिमाग ने आपको बेवकूफ बना दिया, वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है। अगर आपने उसको दोबारा नहीं किया, दोबारा अगर आपने नहीं किया, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि आपके दिमाग ने आपको बेवकूफ बना दिया है और आप उसके बहकावे में आ गए। अब आप दोबारा जब एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो वो आपसे दोबारा नहीं बनेगा। तो ये प्रोसेस अपनाना है, क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में गलतियां होंगी, उस गलती को इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट करने के बाद दोबारा ट्राई करेंगे। जैसा मैं कहता हूं कि हमें अपने एग्जाम का एनालिसिस करना चाहिए, कई बच्चों ने नहीं किया है, वो अभी भी कर लो। तो आपको क्या करना है, एनालिसिस के साथ साथ यहाँ इवैल्यूएशन और उस क्वेश्चन को दोबारा करना होगा। समझ में आ गया, ये सारी चीज कर ली आपने। उसके बाद हमारे पास तीसरी स्टेप आती है, हमारी गलतियां होती है। सर कौन कौन सी गलतियां होती है? सर सिली मिस्टेक होती है, सर कैलकुलेशन, सिली मिस्टेक जो होती है कैलकुलेशन होती है। सर यहाँ पे लिखा था 2x-4x=3x+2, हमने इसको उठा के यहाँ लेकर आए, हमने 2x+3x कर दिया, मतलब ये क्या है, यही तो सिली मिस्टेक है कि हमने क्या किया, हमने ये प्लस साइन था इधर आके माइनस नहीं किया, इसको ले जाके उधर करा नहीं किया, हम ये गड़बड़ कर बैठते हैं, इसे सिली मिस्टेक कहते हैं। हम दूसरी चीज यूनिट नहीं लिखते हैं, यूनिट्स नहीं लिखते हैं, यूनिट अगर आती है तो यूनिट लिखें, फॉर्मूले याद नहीं करते हैं। फॉर्मूले को आप रियल लाइफ से किसी ना किसी ट्रिक से याद करो, ऐसे नहीं कि यार दे दिया यार कर लिया याद, ऐसे फॉर्मूले याद नहीं करते, है ना। दूसरी चीज आप लोग इसको ना लिंक करो, अभी पटाखे लेने जाओगे है ना, अलग अलग तरीके के अलग अलग पटाखे होंगे, तो उसमें भी तो लिंक करते हो ना। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने घर से स्कूल जाते हो, डेली जाते हो सब लोग, फिर वापस आते हो, तुम्हें रास्ता याद है, सबको रास्ता याद है ना, क्यों? क्योंकि आप उसे देखते हुए जाते हो, बार बार आते जाते रहते हो ना, इसलिए तुम्हें याद हो गया। रास्ते में मान लो कोई कचौड़ी वाला अंकल है, कोई समोसे वाले अंकल है, कोई पेटीज वाले अंकल है, कोई चॉकलेट वाले अंकल है, उनको डेली देखोगे तो उनकी शक्ल भी याद हो जाएगी। ऐसे ही उन फॉर्मूलेस को डेली देखने के आदत डाल लो, दिवाली पे प्रतिज्ञा ले लो कि हर फॉर्मूले को डेली देखूंगा तभी वो याद रहेंगे, उनको एक्सपीरियंस करो। ये थी कुछ हैबिट्स अगर हम इस 7-8 दिनों में लेकर आते हैं तो डेफिनेटली आपके मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। अब बात करते हैं सर हमें चैप्टर कैसे अटेंड करने हैं। देखो सबसे पहली चीज कि यार हमारे पास है ना बहुत टाइम है अभी, है ना, ऐसा अब सोचते हैं लेकिन एग्जैक्टली नहीं, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो हमारे बैकलॉग वाले चैप्टर हैं, जो हमारे हाफ रिलीज में आए थे या हमारे किसी टेस्ट में आए थे या हमारे कोई टर्म वन में आए थे, उन चैप्टर्स को हमें पढ़ना है सबसे पहले, उन बैकलॉग को। रावण है ये तुम्हारे लिए, कौन है ये, रावण है तुम्हारे लिए, इसका खात्मा करना है, ये बैकलॉग तुम्हारे लिए रावण है। और दशहरा तो निकल गया लेकिन दिवाली पर इस बैकलॉग का, इस रावण का खात्मा हम कर दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपको टाइम इसमें देना होगा, और अगर मान लीजिए हो जाता है जिनके बैकलॉग नहीं है, वो फिर जो हार्ड चैप्टर हैं उन पर फोकस करेंगे, इजी चैप्टर तो बाद में भी कर लेंगे, जो आपको हार्ड चैप्टर लगते हैं उन पर फोकस करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी को मेंसुरेशन मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम हार्ड लगता होगा, किसी को स्टैटिस्टिक्स हार्ड लगता होगा, किसी को लीनियर इक्वेशन हार्ड लगता होगा, किसी को हो सकता है सर्कल या ट्राइंगल हार्ड लगता होगा, ट्राइंगल तो सबको हार्ड लगता है, ये चैप्टर जो हार्ड लगते हैं इन पर फोकस करो, आप डेफिनेटली अपने आप मार्क्स ऊपर आ जाएंगे। समझ में आ गई, तो ये 3 स्टेप फॉलो करनी है। और जो आपकी फेवरेट किताब है, मतलब दुनिया उसको किताब को छुपा रही है, लेकिन आप लोगों को NCERT को बेस मान के चलना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये सारी चीजें नोट कर लो, अपने कॉपी में लिख के रख लो, और दिवाली वेकेशन में फॉलो करना मत भूलना।